हो सकता है आगे कहीं जिंदगी में जाके आपका ब्रेकअप हो जाए किसी वजह से, तो उससे अपना दिल नहीं तोड़ना। सपोज अगर आपके साथ ऐसा हो गया कि आपने किसी को अपना दिल दिया, या गर्लफ्रेंड है फाइनली वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, मूव ऑन होना चाहते हैं, ठीक है, तो पहली चीज तो ये कसम खा लेना कि अगर कोई मूव ऑन करना चाहता है तो ना जबरदस्ती रिश्ते कभी नहीं निपते, उनको कहो कि दैट्स फाइन, बहुत मुस्कुराते हुए। आपको ना झगड़ा नहीं करना, कोई आपकी जिंदगी से जाना चाहता है, कोई मकसद होगा, झगड़ा नहीं करना। और अपने आपको हंसी का पात्र तो कभी नहीं बनाना है, क्योंकि आप शायद, जरा समझिए, आपके लिए वो दुख का कारण होगा, आप उसमें रोगे, आप उसमें इमोशन लोगे, लेकिन दूसरे लोगों के लिए सिर्फ ये मजे की चीज है और कुछ नहीं। क्या आप उनको मजा देना चाहते हैं? तो बेटर है कि अगर कोई चाहता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू मूव ऑन, मुझे जाना है, जाने दो, रोको मत। ब्रेकअप के टाइम पे ना एक कसम खा लेना। कौन सी वाली कसम खानी है भाई? ये ना अरिजीत सिंह के इमोशनल सैड सॉन्ग्स या फिर हमारे जुबिन नोटियाल के इमोशनल सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने उस टाइम पे। ये खुट्टी मोहब्बत नहीं, अंगड़ाई ली, और वो कौन सा गाना था, बेवफा, कौन सा था, मुझे छोड़ के तुम जब जाओगे, है ना। सो वी डोंट हैव टू यू नो लिसन दो सॉन्ग्स। आप वैसे वैसे ही इमोशनली टूटे हो, ऐसे गानों से अपने आप को दूर रखो, कभी बच जाए तो बंद करवा दो, दूर हो जाओ इमोशनल मूवी से, ब्रेकअप वाली मूवी से दूर हो जाओ। बस उसकी खुशी मायने रखती है जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो, अदरवाइज अगर आप ये सोचते हो मेरे को छोड़ के चलेगी, बर्बाद हो जाए वो, तो वो प्यार नहीं है, कसम से कह रहा हूँ, वो आपका सिर्फ मतलब है, समझ रहे हो, दैट इज ओनली यू नो योर योर मतलब, आप एक मतलब की वजह से उसे प्यार करते थे बस।